मामला हमारा ये है कि 2015 से उस पर न्यायालय चल रहा है और जबरदस्ती ये लोग हमारी पूरी आबादी कब्जा कर लिए हैं और बीचों बीच जबरदस्ती खड़ंजा निकाले और दीवानी में वो चल ही रहा है। मतलब न्यायालय में विचाराधीन है? हाँ, विचाराधीन है जी। तो उसके कौन बनवा रहा है जबरदस्ती? जबरदस्ती बनवारी पुत्र भुल्लूर साहब को लोग जबरदस्ती, प्रशासन भी हमारा नहीं सुन रहा है। प्रशासन के यहाँ जा रहा हूँ तो प्रशासन भी नहीं सुन रहा है। प्रशासन ये लोग जबरदस्ती दबंगई कर रहे हैं, उसमें प्रधान भी सीताराम प्रधान भी केकारडी के हैं, ग्राम प्रधान वो भी मिले हुए हैं। 20 फुट 25 फुट घुस भी गए हैं अंदर। हाँ, उस पर छत ढाल दिए हैं, वो हमारे में नक्शे के अंदर ही है। हाँ, तो आप चाहते हैं कि जब तक फैसला कोई ना आए तब तक कोई निर्माण ना हो? कोई निर्माण नहीं होना चाहिए जी। वो आपके पटीदार है जो ऐसा कर रहे हैं? हाँ, हमारा खास पटीदार नहीं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम फूलचंद पाल, राम कलस्टर पाल। गांव का क्या नाम है? गांव बेलासिन, तहसील मछली शहर, जिला जौनपुर। थाना कौन सा है? मछली शहर। क्या मामला है जो आप एसपी साहब के यहाँ ज्ञापन दे के आ रहे हैं? मामला हमारा ये है 2015 से उस पर न्यायालय चल रहा है और जबरदस्ती ये लोग हमारी पूरी आबादी कब्जा कर लिए हैं और बीचों बीच जबरदस्ती खड़ंजा निकाल दिए। अच्छा, वो आबादी की जमीन में उसमें खड़ंजा निकला हुआ? हाँ, जबरदस्ती ये लोग निकाल दिए। और उस पर जो कि हाई कोर्ट भी मामला गया है और दीवानी में वो चल ही रहा है। मतलब न्यायालय में विचाराधीन है? हाँ, विचाराधीन है जी। तो उसके कौन बनवा रहा है जबरदस्ती? जबरदस्ती बनवारी पुत्र भुल्लूर, राजकिशुन पुत्र बनबारसी, और राजकरण रमेश, और राजदेव, प्रदीप, विनोद, आनंद, और ये आपके क्या हैं? ये सब पटीदार हैं। पटीदार हैं आपके? हाँ। तो आप विरोध किए क्या कह रहे हैं? विरोध कर रहा हूँ साहब को लोग जबरदस्ती, प्रशासन भी हमारा नहीं सुन रहा है। हाँ। प्रशासन के यहाँ जा रहा हूँ तो प्रशासन भी नहीं सुन रहा है। प्रशासन भी नहीं सुन रहा है? हाँ। तो आप चाहते क्या हैं? हम उसमें ये चाहता हूँ कि हमको न्याय मिले। हाँ। और हमारा जो जबरदस्ती सब कब्जा है, कहीं इंटरलॉकिंग लगा रहे हैं, कहीं लाइट लगा रहे हैं जबरदस्ती। हाँ। और ये सब ये लोग जबरदस्ती दबंगई कर रहे हैं, उसमें प्रधान भी सीताराम प्रधान भी केकारडी के हैं, ग्राम प्रधान वो भी मिले हुए हैं, उनका भी हाथ रहता है उसमें। तो आप चाहते हैं कि जब तक मुकदमा चल रहा है तब तक कोई निर्माण वहाँ ना हो? कोई निर्माण ना हो, और जबरदस्ती वो लोग 20 फुट 25 फुट घुस भी गए हैं अंदर। हाँ, उस पर छत ढाल दिए हैं, वो हमारे में नक्शे के अंदर ही है। हाँ, तो आप चाहते हैं कि जब तक फैसला कोई ना आए तब तक कोई निर्माण ना हो? कोई निर्माण नहीं होना चाहिए जी। वो आपके पटीदार है जो ऐसा कर रहे हैं? हाँ, हमारा खास पटीदार नहीं है और वो मतलब लंबा के हैं, हम लंबा के हैं, और ये लोग मिल के और दबंगई करते हैं, हमको सताना चाहते हैं, वहाँ जी सता रहे हैं। ये समस्या कब से आपको हो रही है? समस्या हमको 2008 से चल रही है। तो ये खड़ंजा उड़ंजा ये सब निर्माण कब करने के प्रयास किए हैं? 2020 में जबरदस्ती खड़ंजा की है। अभी फिर उस पर लाइटिंग का काम करने वाले? लाइटिंग और जबरदस्ती बैठा रहे हैं उस पर जी। आप चाहते क्या हैं? उस पर लाइटिंग वाइटिंग कुछ नहीं हो, जब तक वो न्यायालय फैसला नहीं होता तब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया जाए, कोई यथास्थिति बना रहे। हाँ, आप यही चाहते हैं? हाँ। ठीक, क्या नाम अपना बताया आप? हाँ, फूलचंद पाल। ये जो खबर आपकी कवरेज हो रही है, चैनल चल सकता है कि नहीं? चलना चाहिए। कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं, आप अपने होश हवास में बयान दे रहे हैं? अपने होश हवास में जी। हाँ।